तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए 7 अगस्त यानी कि आज का दिन बेहद खास होने वाला है। ये वो दिन है जब गरीबों के चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई देगी। उनके दिलों से लेकर रसोई तक उत्सव का माहौल होगा। प्रदेश की शिवराज सरकार गरीब परिवारों के लिए अन्न उत्सव का आयोजन करने जा रही है, जो अपनी तरह का देश में पहला अभियान है, जिसके तहत हर गरीब को 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। हर गरीब के घर होगा राशन, यही है शिवराज सरकार का आश्वासन। सावन में गरीब के घर होगा उत्सव। सरकार मना रही अन्नोत्सव। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त को हर गरीब के घर उत्सव मनेगा, क्योंकि शिवराज सरकार अब प्रदेश में अन्न उत्सव मनाने जा रही है। ये वो दिन होगा जब प्रदेश के हर गरीब के घर में राशन होगा। गरीबों के घर में उम्मीदें और खुशियां थैलों में भरकर आएंगी। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली अन्न उत्सव की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज अन्न उत्सव की तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे हैं, ताकि गरीबों से जुड़े इस उत्सव में कोई कसर न रहे। एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है हमारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके अंतर्गत अन्न उत्सव 7 अगस्त को अन्न उत्सव का कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और प्रसन्नता की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। अपनी सभी 25,435 दुकानें, 25,435 दुकानों पे यह कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। इस बार ये तय किया है कि प्रत्येक दुकान पे हम 100 हितग्राहियों को, सबको नहीं हो सकता, कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, एक थैले में, जिसकी चर्चा पहले अपनी हो गई थी, तो उस थैले में राशन दिया जाए। 4,89,89,855 हितग्राहियों को दिया जाएगा राशन। थैले में दिया जाएगा 10-10 किलो निःशुल्क राशन। 25,435 उचित मूल्यों की दुकानों से राशन बांटा जाएगा। किसी भी दुकान से राशन ले सकेंगे हितग्राही। प्रदेश के बाहर के हितग्राहियों को भी राशन मिलेगा। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। ये पूरा आयोजन एक उत्सव की तरह ही होगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्यों की दुकानों पर समारोह के रूप में अन्न उत्सव की तैयारियां की जा रही है। स्थानीय कलाकारों के लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में बैनर और वीडियो के जरिए महोत्सव का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके। उत्सव के दौरान गरीबों का सम्मान भी किया जाएगा। ये अन्न उत्सव योजना केंद्र सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार, तो अगर उत्सव करते हैं तो जो लोग आए उनको विधिवत लाया जाए, उनको विधिवत स्वागत किया जाए, क्योंकि यह ना उत्सव योजना का है। अब साल में एक आध बार त्यौहार होता है, कभी जन्माष्टमी का हुआ, कभी किसका हुआ, तो हम लोग भी अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तो एक दिन बढ़िया खाना होना चाहते हैं त्यौहारों में, तो ये त्यौहार है गरीबों, इसलिए गरीबों को हर तरह से सुविधा दी जाए, वहाँ पर लाया जाए और शासन के साथ प्रशासन भी अन्न उत्सव की तैयारियों में जुटा हुआ है। पूरे प्रदेश में अधिकारी अन्न उत्सव को लेकर बैठकें कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं, ताकि सरकार के इस महत्वाकांक्षी आयोजन की मंशा पूरी हो सके। सरकार का ये आयोजन कई मायनों में खास है। कोरोना काल में आर्थिक परेशानियों से जूझते गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ये आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही कोरोना के इस दौर में गरीबों को भी उत्सव मनाने का मौका मिलेगा।